साथ शायद हम रूट से जाना चाहेंगे किस हिसाब से आपको ऑफ़र आया कहाँ से शुरुआत हुई आपकी क्या आपने उसको सबसे अच्छी बात आपको लगी बिग बॉस के ऑफ़र को लेके बिग uh, बॉस के ऑफ़र को लेके मुझे um, uh, मैं लास्ट ईयर भी मेरा जाने का चल रहा था बट वो नहीं बन पाया बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूइंग इन उडारियाँ पर उडारियाँ भी ख़त्म हो गया है तो आई थिंक आई एम गुड टू गो नाउ और uh, अच्छी बात यह है कि रियलिटी शो है अभी तक सब ने मुझे फ़िक्शन में देखा है जैसमिन देखा है हरलीन देखा है बट नो बडी नोज की ईशा कैसी है मेरा रियल कैरेक्टर कैसा है सो नॉट रियल कैरेक्टर एक्चुअली मेरी रियल पर्सनैलिटी कैसी है तो लेट्स ई क्या होता है लास्ट ईयर उडारिया से प्रियंका थीं शी वन टिल आर राणा रब बट शी डिड रियली वेल बहुत ही अच्छा गेम प्ले खेला उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने दिस इस साल आप जा रही हैं तो कहीं कहीं विनर बनने का इरादा है वो जो लास्ट ईयर जो एक उड़ारिया की फेम मतलब मैं जा, दे, जा के देखना चाहती कि क्या होता है और इससे मुझे अपने का भी पता लगेगा मेरी अंदर एक्चुअली कितनी विल पावर है और मैं कितना कर सकती हूँ कितना नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे तो बहुत कुछ बोलने को है कि अच्छा मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी बट एक्चुअली जब आप सिचुएशन में जाते हो ना देख

साथ ही शायद हम रूट से जाना चाहेंगे किस हिसाब से आपको ऑफ़र आया कहाँ से शुरुआत हुई आपकी क्या आपने उसको सबसे अच्छी बात आपको लगी बिग बॉस के ऑफ़र को लेके बिग uh, बॉस के ऑफ़र को लेके मुझे um, uh, मैं लास्ट ईयर भी मेरा जाने का चल रहा था बट वो नहीं बन पाया बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूइंग इन उडारियाँ पर उडारियाँ भी ख़त्म हो गया है तो आई थिंक आई एम गुड टू गो नाउ और uh, अच्छी बात यह है कि रियलिटी शो है अभी तक सबने मुझे फिक्शन में देखा है जैसमिन देखा है हरलीन देखा है बट नो बडी नोज़ की ईशा कैसी है मेरा रियल कैरेक्टर कैसा है सो नॉट रियल कैरेक्टर एक्चुअली मेरी रियल पर्सनैलिटी कैसी है तो लेट्स ई क्या होता है लास्ट ईयर उडारियाँ से प्रियंका थीं शी वन टिल आर राणा रप बट शी डिड रियली वेल बहुत ही अच्छा गेम प्ले खेला उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने दिस इस साल आप जा रही हैं तो

Know, कि आप कितना कर सकते हो क्या कर सकते हो टॉकिंग uh, अबाउट इस साल का जो थीम है वो कपल्स वैसे सिंगल्स रखा गया है आपको ही है कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से exactly कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से Hmm. है, आप लोग ही मुझे बता रहे हो पता है दो तीन अभी जब मेरे इंटरव्यूज है तभी मुझे पता लगा की अच्छा कपल वर्सेज एंड देर आस्किंग मी एंड आई एम आस्किंग अच्छा और क्या है कपल वर्सेज सिंगल है क्योंकि पता ही नहीं है ना आई आई हैव नो क्लू ऐसा रहता है

ऑल राइट right, ईशा साथ ही आपसे जानना चाहेंगे बहुत सारे टास्क होते हैं घर के अंदर में और काफ़ी बार जो ऐसा रहता है कि ह्यूमन माइंडसेट जो लोग बोल के जाते हैं कि ऐसा कि हम वन साइडेड खेलने वाले हैं कुछ लोग डिप्लोमेटिक हो जाते हैं वहाँ पे जाने के बाद तो उस चीज़ के ऊपर आपका कैसा अप्रोच रहने वाला है फॉर दैट थिंग लाइक यू आर वो नो बी वन सिंगल साइडेड आप कोई गैंग या अलायंस क्योंकि मंडली वंडली बन बनी हुई है पिछले के सीजनस में आप देखेंगे तो हाउ यू वन ऑट चैनलाइज योर इंटायर जर्नी मंडली uh, ना उनको एक नाम दे दिया गया बट आप देखो ऐसे तो वो तो है एक फ्रेंड्स का ग्रुप ही ना yeah. मतलब दे है फ्रेंड्स सो बॉन्ड बन गया तो बन गया जिनका नहीं बन पाया वो मंडली मंडली बोलने लगे सो दैट इज़ आई डोंट थिंक सो दैट इज़ पेयर क्योंकि फ्रेंडशिप तो है ही yeah. अब उसमें कुछ लोग हमें पसंद भी हैं कुछ लोग हमें नहीं पसंद भी है कंटेस्टेंट सो so वो एक सबका है लेकिन वो लोग जो आपस में है वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं तो मेरा भी ऐसा किसी से बॉन्ड बनेगा तो मैं बनाऊंगी मैं फेक नहीं कर सकती कुछ भी कि अच्छा गेम के लिए कर लिया दोस्ती और फिर बाहर जाके टाटा आई कान डू दिस मतलब दोस्त दोस्त तो फिर कम्प्लीटली अगर ऐसे भी खबरें हैं कि प्रियंका और अंकित जो है वो कि घर में मेंटल जाने वाले हैं तो फिर वहाँ पे किस हिसाब से आपकी तरफ से वो बॉन्ड रहने वाला है बिकॉज दे नो यू वेरी वेल पहले से भी और कही कहीं ना कहीं दे है बार एज एन जोड़ी बिग बॉस के घर में हाँ ये हम कह सकते हैं बट एज ए मेंटर्स ये भी आपने मुझे ख़बर सुनाई अगर आते हैं तो इट विल बी वेरी गुड क्योंकि uh, मैं जानती हूँ उनको पहले से और वो भी देखेंगे व्हाट आई एम प्लेइंग हाउ हाउ एम आई प्लेइंग तो उनके लिए भी आई थिंक uh, अलग होगा नज़ारा कि अच्छा वो देख रहे हैं बाहर से ओके गए इज देयर इनसाइड बिग बॉस हाउस तो लेट्स सी आर हाउ थिंग्स वर्कआउट अगर आपको अंकित और प्रियंका से कोई एक टिप या कोई एक सजेशन लेनी रहे तो आप उनसे किस बारे में एडवाइस लेना चाहेंगी रिगार्डिंग द गेम प्ले इन हाउस आई थिंक आई वुड मैं मैं एक बात बताऊँ मैं गेम प्ले के बारे में तो एडवाइस नहीं लेना ले चाहूँगी मैं स्टाइलिंग के ऊपर मैं जरूर ले लूँगी एडवाइस क्योंकि लड़कियों को होता है थोड़ा ना कि अच्छा स्टाइलिंग और मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है कि अपडेटेड रहें थोड़ा क्या ट्रेंड में चल रहा है उसको बना के रखे सो या आई वुड आस्क दैट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू इन बिटवीन यू हैव अ रियली गुड फैशन सेंस मैंने उसके लिए एक अलग सेगमेंट भी अभी तैयार करके रखा है विल गो अहेड ऑन दैट ओके ईशा आई वॉज आस्किंग अबाउट घर के अंदर अभी जाने के बाद से ड्यूटीज़ की बात करें कौन सी ड्यूटीज़ ऐसी रहेंगी जो कि आपकी फेवरेट रहने वाली हैं कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिनको आप करने से थोड़ा सा कतराने वाली हैं उसको थोड़ा सा कम उसके लिए थोड़ा सा लीस्ट इंटरेस्ट है ऐसा या लीस्ट इंटरेस्ट तो कोर्स या बाथरूम ना थोड़ा अरे मतलब देखो प्रॉब्लम नहीं है जा रहे हैं तो करना ही है बट वो मेरी लास्ट प्रायोरिटी पे कि ठीक है मतलब अब बिल्कुल ही सब पीछे पड़ गए कि नहीं ईशा बाथरूम क्लीन गया ठीक है अभी बाथरूम क्लीन का दे देते हैं बट मैं किचन की ड्यूटीज़ में रह सकती हूँ गार्डन की ड्यूटीज़ में मुझे इंटरेस्ट है सोया साथ ही ईशा बिग बॉस के घर के अलावा बात करें हम आपका जो उड़ारियाँ शो रहा है बहुत ही पॉपुलर रहा है काफ़ी पसंद किया है लोगों ने आपको उसमें अगर उनमें से अगर किसी अपने को स्टार को आप बिग बॉस के घर में लेके जाना चाहें तो वो कौन से आ, को स्टार्स होंगे आपके जिनको आप पसंद करेंगे अपने साथ घर में मैं हितेश को पसंद करूँगी बिकॉज पकर... हितेश एंड माई बॉन्ड इज लाइक वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर और वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है ना आई कॉन्ट इवन एक्सप्लेन इट हमारा अलग हमें uh, बात करने की भी ज़रूरत नहीं हम वो आंखों में समझ आएंगे कि अच्छा अभी तो इसके मजे ले रहा है अभी इज़ लाइक दैट इज़ वेरी फनी एक्सट्रीमली फनी एंड एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू वर्ड्स इट्स वर्क बहुत प्योर है वो दिल से और बहुत अच्छे से अपना काम करता है तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी उसको uh, कि वो मेरे साथ अंदर जाए बट ऐसा कुछ होगा नहीं बिकॉज हितेश नॉट गोइंग तो yeah. अभी जब से लीप आया है शो में कितना मिस कर रहे हो आप शो को कुछ कुछ यादें कभी uh, आती है ध्यान में तो क्या सबसे पहला चीज़ याद आती है यादें हैं कि हम जो ऑन स्क्रीन है वो तो चलो है ही परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है सीन्स अच्छा आ ऑफ स्क्रीन हम लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर किसी ना किसी के रूम में चलता ही रहता था कोई पानी पूरी मंगा रहे कोई पाव भाजी मंगा रहे अच्छा कोई कुछ मंगा रहे हैं एवरी डे वी आर लुकिंग वी हैव टू बी ऑन स्क्रीन और हमको वो भी ध्यान रखना है कि अरे बाबा हमारा पेट ना निकल जाए या यहाँ से गाल ना फूल जाए एवरी थिंग बट हम कोई भी खाने में पीछे नहीं हटता था और हितेश हमेशा हितेश तो तू देख रहा है अगर तू इतना झूठा है हमेशा जिम का बहाना लगा लगा के कि अरे नहीं, नहीं नहीं यार जिम है जिम है और ये बोल बोल के खाते जाता था पानी पूरी पानी मैंने कहा यार यू जिस सेट की यू हैव टू गो टू जिम और तेरे वर्कआउट का क्या देने लाइक अरे देख जाएगी यार यू गाइज आर ऑर्डरिंग बैक टू बैक तो मेरा खाने का अभी ये जनरेशन लीप के बाद से जो कि थोड़ी स्टार कास्ट बदली है काफी कुछ नया आया है शो में वो कैसा लग रहा है आपको हाउ डू यू थिंक द शो इज गोइंग राइट नाउ आई थिंक द शो इज डूइंग ग्रेट बट द ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा ऑडियंस को ऑडियंस के दिल में जगह बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जा बिकॉज पहले प्रियंका अंकित और मैं थे फिर उसके बाद लीप आया तो ट्विंकल हितेश और मैं थे फिर अभी एक और लीप आया तो वो क्या है ऑडियंस नए चेहरे देखते देखते थोड़ा सा उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है बट दिस सीजन ऑल्सो इट विल बी ऑन अ गुड हाइट आई फील एंड द सेम बी ऑल्सो विश